पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर के फंडामेंटल्स पर। पाकिस्तान के फर्टिलाइजर सेक्टर में पांच कंपनीज हैं जो कि PSEX में लिस्टेड हैं, और इन पांच कंपनीज का नाम है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, एंग्रो फर्टिलाइजर, फातमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक। मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर यूरिया है, जिसकी कुल डिमांड पूरे मुल्क में तकरीबन 6 से 6.5 मिलियन टन तक रहती है। इस डिमांड को हमारी जो पांच लिस्टेड कंपनीज हैं जो यूरिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन 6.3 मिलियन टन प्रोड्यूस करके तकरीबन पूरा कर लेते हैं। बाकी अगर कोई शॉर्टफॉल रहता है तो वो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स के थ्रू पूरा कर लेती है। यूरिया के ख़ास होने की वजह ये है कि उसकी कीमतें कम रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट गैस सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मैन्युफैक्चरर्स को देती है, जिसकी वजह से यूरिया हमारा इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले तकरीबन 30 से 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। यूरिया के अलावा जो फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान में बिकते हैं उनमें से नामी DAP है, MAP है, MOP, SOP, NP, NPK, ये कुछ लोकली प्रोड्यूस होते हैं, कुछ इंपोर्ट होते हैं, तो इनकी डिमांड वेरी करती है क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक रहती हैं। FY23 की यूरिया सेल्स इंडस्ट्री की करीब 6 मिलियन टन रही, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर फौजी फर्टिलाइजर का था और उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर का। फौजी फर्टिलाइजर सालाना तकरीबन 2.3 से 2.5 मिलियन टन तक की सेल यूरिया की कर लेता है, जबकि एंग्रो फर्ट तकरीबन 2 मिलियन टन तक की सेल कर लेता है। अगर हम जो भी लेटेस्ट क्वार्टर था जून 2023 तक का, उसमें फौजी फर्टिलाइज़र ने तकरीबन 35 अरब की सेल्स की, जिसमें से 5 अरब का प्रॉफिट कमाया। दूसरी तरफ एंग्रो फर्ट ने तकरीबन 38 अरब की सेल्स की, जिसमें से 1 अरब का प्रॉफिट कमाया। हमारे सेक्टर में एक और कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, जो पाकिस्तान में DAP की मैन्युफैक्चरिंग का वाहिद प्लांट चला रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपग्रेडेशन के बाद करीब 8 लाख टन तक पहुंच गई है। DAP की सालाना डिमांड 2 मिलियन टन तक पहुंची, लेकिन जायद कीमतों की वजह से ये डिमांड 1.2 मिलियन टन तक रह गई है। फौजी बिन कासिम ने रीसेंट क्वार्टर में 35 अरब के रेवेन्यूज़ कमाए, जिसमें से 48 करोड़ का प्रॉफिट बचा। फर्टिलाइजर सेक्टर के रिस्क पे अगर हम कुछ बात करें तो जो सबसे बड़ा रिस्क है वो गैस की फरहमी का है और गैस की कीमतों का है। अभी जैसे हमने बताया कि गैस की कीमतें सब्सिडाइज्ड होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वेकॉक बिल के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसकी वजह से जो गैस की कीमतें हैं वो अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जिसका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है फर्टिलाइजर सेक्टर को, क्योंकि इनकी सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। इन रिस्क के बावजूद, चूँकि पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है, तो हम फर्टिलाइजर सेक्टर की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। And for more informative videos like this, please subscribe to our channel.